नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। मैं अभी बात कर रहा हूं ओम प्रकाश पासवान जी से, जो आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं, और तमाम बातें मैं अभी करूंगा। चिराग पासवान के आवास लेने पर अभी खासा विवाद चल रहा है बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीतिक सरगर्मियों में। उसी को लेकर आरजेडी के महासचिव जी से अभी पूछूंगा कि जिस प्रकार से रामविलास पासवान का 3-3.5 दशकों से उनका बंगला आवास रहा है, तो उसको जिस प्रकार से अभी कह सकते हैं खाली करवाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आवास खाली कराना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन इतने बड़ा नेता जो बिहार का नहीं अंतर्राष्ट्रीय दलित का नेता रामविलास जी थे, और उनकी कोठी को एकाएक छीन लेना, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के दलितों के साथ भारत सरकार ने अपमान किया है। यह अपमानित का बदला दलित समाज एक एक बदला गिन गिन के लेगा आने वाला समय में। रामविलास पासवान कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई नेता नहीं थे। रामविलास पासवान दलितों का एक मसीहा थे, और दलितों के लिए जो उन्होंने किए हैं वो दलित याद किया। क्या दलित इन बातों को लेकर विरोध करेगा? दलित विरोध करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा यह तो भी कहना मुश्किल है, लेकिन कोठी खाली एकाएक करा देने से बिना सूचना, बिना न्यायालय के आदेश को कोठी को खाली करा देने से पूरे बिहार में नहीं पूरे देश के दलित में काफ़ी रोष और जोश है, और ख़ास करके इतने बड़ा नेता जिनका स्मारक लगा हुआ है उसमें। पर अब वह मंत्री नहीं है, उनका निधन हो गया है, तो वह आवास तो सरकार लेगी ना, ये एक कहना है या नियम तो यही कहती है। अगर नियम है तो रामविलास पासवान के लिए नियम है, दलितों के लिए नियम है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सफदरजंग में है स्मारक नहीं है, क्यों नहीं उसको हटा दिया गया? जगजीवन बाबू को स्मारक है कि नहीं है, क्यों नहीं हटा दिया गया? ऐसे बहुत से प्रमाण मैं दे सकता हूँ। बिहार में देखिए, तो क्या मोदी सरकार भेदभाव कर रही है आपका कहना? मैं मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मैं मोदी सरकार और किसी की दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो भी हुआ सरकार द्वारा ये बहुत ही अन्याय पूर्ण रवैया है। खास करके वो नहीं समझ रहा है सरकार कि रामविलास पासवान क्या थे। बिहार में रामविलास पासवान के 8.5% वोट है। रामविलास पासवान ऐलान करके कहते थे कि मैं जीत नहीं सकता हूँ तो मैं चाहूँगा तो जीतने भी नहीं दूंगा, हराने का वोट मेरे पास है। पर विधानसभा में कभी असरदार नहीं रहे, केवल एक बार 2005 में। कौन? रामविलास जी 2005 में 29 सीट आया, फिर कभी 29 सीट आया, 29 सीट आया जो छोड़ दीजिए। आज आपके मुख्यमंत्री जी हैं, लालू जी हैं, सारे के सारे लोग रामविलास पासवान से जूनियर हैं। रामविलास पासवान 1969 में विधायक होकर आए थे, ये आप जानिए, कोई भी उन्हें 1969 का नेता नहीं है, यह सब लोग 74 का प्रोडक्ट है। रामविलास पासवान की बात करते हैं, 74 के बाद ही के 77 में लालू जी सांसद बने थे और 85 में नीतीश कुमार विधायक बने थे। क्या बोले आप? 77 में लालू जी सांसद बने थे, 85 में नीतीश जी विधायक बने थे। अरे भाई 77 में जूनियर हैं, 77 में तो सबको मैंने सांसद बना था, रामविलास पासवान
अब्दुल बारी सिद्दीकी, लालू प्रसाद, सारे लोग बने थे, और भी लोग थे, रामजीवन बाबू थे, बहुत लोग बने थे, लेकिन रामविलास पासवान दलित के नेता में 1969 में विधायक हुए थे, इसको आप जानिए। तो क्या वो आवास पर, मतलब आपका क्या आवास नहीं लेना चाहिए था या लेना चाहिए? रामविलास जी के कर्तव्य को देखते हुए भारत सरकार को ये चाहिए था कि भारत सरकार के लिए जो नो काम किए हैं रामविलास पासवान, उनके मरने उपरांत एकाएक उनके परिवार को अपमानित करना और उनके कौम के अपमानित करना भारत सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। चाचा पशुपति कुमार पारस को भी आवास, मतलब उन्हें भी दिया गया तो वह भी नहीं लिए। तो चिराग जी तो केवल सांसद हैं, तो उस आधार पर भी बात चल रहा है कि कैसे उनको दे दिया। एक बार और आपको बोले होंगे, याद होगा, फिर बोल रहे हैं, पशुपति पारस तो बतासा के लिए मंदिर को तोड़ दिए, उस व्यक्ति को नाम क्या लेते हैं? मिनिस्टर हैं। जो व्यक्ति अपने भाई को, अपने भौजाई को, अपने भतीजा को कुछ नहीं बूझा, रामविलास पासवान ने इनको उठा करके संसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और उसका बेटा को आपने हुआ अपमानित किया कि पार्टी तोड़ दिए, पार्टी तोड़ के चाहे कि रोड पर ला दे। लेकिन चिराग पासवान अपने पिता के कर्तव्य पर बिहार में 8.5 वोट के, 8.5% वोट के मालिक बनने का काम चिराग पासवान ने किया है, और चिराग पासवान मेहनत जो किए हैं बिहार में, एक एक पासवान, एक एक दलित, मने जो लोग कह रहा है कि हम दलित के नेता हैं, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि बिहार में एक भी दलित का नेता कोई नहीं है चिराग पासवान के छोड़ के। आरजेडी में तो लालू जी का बड़ा नाम होता है। लालू जी दलित नहीं है, ओबीसी। लालू जी दलित नहीं है, वो दलित पर दावा कर सकते हैं कि हम दलित के नेता हैं? लालू जी दलितों के लिए काम किए, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। नीतीश जी, दलितों के लिए लालू जी ने काम किए, दलितों को लालू जी ने मुंह दिए बोलने का, अपने हक पहचानने का भी काम करके दिखाए हैं लालू जी। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरे शासनकाल में ज़्यादा दलितों के लिए काम। नीतीश कुमार तो खास करके पासवान जाति का ही दुश्मन है, दलितों के ही दुश्मन है, दलित में लड़ा करके दलित महादलित कर दिए। आप जटास भारत जी हमसे आप बुलवाना चाहते हैं तो सुन लीजिए आप, जहाँ नियुक्ति का प्रश्न होता है वहाँ आरक्षण होता है, और इस संबंध में रामविलास पासवान एक नहीं अनेकों किताब लिखे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद दे के लिखे हैं, जहाँ नियुक्ति का प्रश्न है सरकारी गैर सरकारी या किसी तरह के नियुक्ति होगा उसमें हमारा आरक्षण होगा। ये कौन आरक्षण है? टोला सबक में खाली एक जात, ये कौन आरक्षण है? ममता दीदी में एक जात है, ये कौन आरक्षण है? ये पासवान जाति को अपमानित करने का आरक्षण है, पासवान यादव को रोजगार से अलग रखने का ही आरक्षण है, ये जानिए। नीतीश कुमार के द्वारा यानी कि दलितों को अपमानित, मतलब पासवानों को अपमानित किया जा रहा है, आज से कर रहे हैं, जब से सरकार में बैठे हैं तब से अपमानित कर रहे हैं, और जिनके साथ ही हैं
उनको भी समझना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। यह पासवान कौम सिर कटा सकता है, सिर झुका नहीं सकता। कोठी खाली कराने से रामविलास जी के किया हुआ जो काम है दलितों के बीच, वो मिट नहीं सकता। चिराग पासवान को दबाना चाहते हैं लोग, लेकिन अपने कर्तव्य पर अगर चिराग पासवान अड़ा हुआ रहेंगे तो उसे दबा नहीं सकते हैं। आपकी पार्टी विधानसभा और लोकसभा में आवाज़ उठाएगी ये इसका मुद्दा का? आरजेडी आज भी शायद आवाज़ उठाया जी, हम तो विधानसभा नहीं गए। और आरजेडी दलितों के साथ है, समझ गए? और दलितों पर जो जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, उसकी लड़ाई आरजेडी लड़ेगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये बात कर रहे थे आरजेडी के प्रदेश महासचिव जी हैं ओम प्रकाश पासवान जी, तमाम बातें कर रहे थे, तमाम बातें बता रहे थे रामविलास पासवान के बंगले खाली होने को लेकर, और तमाम बिहार सरकार के विधानसभा से लेकर लोकसभा तक की भी बातें, और भी कई सवालों का जवाब दिए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा, और बने रहेगा झकास भारत के साथ। मैं तमाम खबरें और मुद्दे के साथ मैं लगातार आते रहता हूँ। धन्यवाद।